आगे आएगा, क्लियरेंस होगी कि उन्होंने जो हमने गोल मुकर्र किया था उन्होंने आगे आ रहा है हमारा कि एक कुआ है जिनको हाई रिस्क है और एक कुआ है अभी नहीं हुई पल्मोनरी आर्टरी, एक कुआ जिनको हो गई है, जिनको हो गई उसके साथ उन्होंने डायबिटीज को रख लिया और उन्होंने कहा कार्डियोवास्कुलर डिजीज इक्विवेलेंट। अच्छा अगर मोर देन ये फैक्टर तो हमने कर लिए कि स्मोकिंग है और ये सारी चीज़ें ओबेसिटी है, लेकिन अगर मोर देन टू है तो 10 ईयर रिस्क असेसमेंट करनी चाहिए उस पेशेंट की। ये चार्ट बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये आपके पास है, आपके सर सवाल का जवाब इसमें है। पहला रिस्क कैटेगरी कोरोनरी हार्ट डिजीज और कोरोनरी हार्ट डिजीज रिस्क इक्विवेलेंट, ये डायबिटीज मेलिटस यहाँ पे इसको उन्होंने सेपरेट नहीं किया बल्कि आपके इसमें तो कटा हुआ, लेकिन आपके पास जो हैंड आउट है उसमें नीचे लिखा हुआ कि डायबिटीज कोरोनरी हार्ट डिजीज इक्विवेलेंट है। तो अब जैसे हमने कहा कि प्राइमरी गोल ऑफ थेरेपी जो है एलडीएल, ठीक है, एलडीएल को ट्रीट करता है, अब नॉर्मल कितना लेस देन 100। अच्छा कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है जिसमें बताया गया कि कितना कितना होना चाहिए, तो इसमें तीन कैटेगरीज है, पहला कॉर्नरी हार्ट डिजीज और कॉर्नरी हार्ट डिजीज रिस्क इक्विवेलेंट, इसमें डायबिटीज आ तो या कॉर्नरी हार्ट डिजीज हो या कॉर्नरी हार्ट डिजीज रिस्क इक्विवेलेंट हो तो एलडीएल गोल लेस देन 100 होगा। और ट्रीटमेंट कब करना है, ये दरमियान वाला तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन वो तो हर एक का करना है, इसको छोड़ रहा हूँ मैं, लेस देन 100 हो ये तो गोल है। ट्रीट कब करना है, जब मोर देन 130 मिलीग्राम, लेकिन नीचे उन्होंने लिख दिया 100 और 129 के दरमियान ऑप्शनल है, आप दे सकते हैं अगर ज़्यादा रिस्क है तो मैक्सिमम जो है ना इट शुड बी 130 मिलीग्राम, अगर 129 मिलीग्राम, अगर मोर देन 129 मिलीग्राम है 130 या अबव है तो कॉरोनरी हार्ट डिजीज है या डायबिटीज है तो आप ट्रीट करेंगे ड्रग देते, क्लियर। उसके बाद दूसरा है कि अगर टू रिस्क फैक्टर्स है जैसे हमने रिस्क फैक्टर अभी किए तो उनका एलडीएल गोल है लेस देन 130 मिलीग्राम, ठीक। उनमें तो पहला कौन सी कैटेगरी थी कि उसमें कॉरोनरी हार्ट डिजीज हो गई है या कॉरोनरी हार्ट डिजीज रिस्क इक्विवेलेंट का पेशेंट, दूसरा क्या है सिर्फ रिस्क फैक्टर है अभी कॉरोनरी हार्ट डिजीज हुई नहीं, इसमें गोल उन्होंने थोड़ा सा हाई रखा है, उन्होंने कहा इट शुड बी लेस देन 130 मिलीग्राम और ड्रग देंगे 160 मिलीग्राम पे और 130-160 के दरमियान उन्होंने ऑप्शनल रख दिया। उसके बाद अगर 0-1 रिस्क फैक्टर है, किसी में कोई रिस्क फैक्टर नहीं है या लेस देन 1 है तो क्या होगा, गोल है 160 मिलीग्राम एलडीएल और ट्रीट कब करेंगे अगर मोर देन 190 मिलीग्राम, ये क्लियर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर हम याद कर लें, क्योंकि ये इसीलिए चार्ट दिए भूल जाती है फिगर, अगर हम सब कुछ भूल जाए सिर्फ दो तीन चीज़ें याद रख लें, एलडीएल लेस देन 100 मिलीग्राम नॉर्मल वैल्यू, उससे अबव सारे नॉर्मल, ठीक है। और अगर कॉरोनरी हार्ट डिजीज है या डायबिटीज है तो गोल होना चाहिए लेस देन 130 मिलीग्राम, ठीक। तो अगर सॉरी लेस देन 100 मिलीग्राम और आपने ट्रीट कब करना 130 में करना, अगर दो रिस्क फैक्टर है गोल है 130 मिलीग्राम और ट्रीट कब करना, ड्रग कब देनी 160 पे दे देना, और अगर 0-1 रिस्क फैक्टर है तो गोल है 160 और 190 पे आपने ट्रीटमेंट दे देना, क्लियर। ये बड़ा हमारे जैसे 2+2=4 होता है, इसी तरह हमें क्लियर होना चाहिए, तो ये हम लोगों को बहुत सब को क्लियर नहीं होता, भूल जाते हैं, तो बहुत फिगर ना भी याद रखें एलडीएल का याद रखने का भी। अच्छा थेरापेटिक जो लाइफ स्टाइल चेंजेस है ये तो हर एक में करनी है, तो कौन कौन सी है, सैचुरेटेड फैट लेस देन आप 7% ऑफ टोटल कैलोरीज और कंसिडर इंक्रीज फाइबर, वेट मैनेजमेंट, इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी, ये तो हर पेशेंट में आपने करनी है। अच्छा हाउ टू ऐड ड्रग इफ एलडीएल लेवल एक्सीड्स अबव द गोल, डॉक्टर मदीन के सवाल का सर जवाब है पार्टली कि कंसिडर ड्रग साइमल्टेनियसली विद ये थेरापेटिक लाइफस्टाइल चेंजेस है और कॉरोनरी हार्ट डिजीज एंड कॉरोनरी हार्ट डिजीज इक्विवेलेंट, उन्होंने साथ रख लिया कार्डियक डिजीज डायबिटीज।
तो इसमें साइमल्टेनियसली आपने शुरू कर देनी है अगर वो अबव दी गोल है, क्योंकि तो आपने देखा कि 100 से ऊपर उन्होंने एडवाइस कर दिया गोल, और 100-130 के दरमियान ऑप्शन रख ली, यू कैन स्टार्ट दी ड्रग। कंसीडर एडिंग ड्रग टू थेरेप्यूटिक लाइफस्टाइल चेंजेस आफ्टर 3 मंथ्स फॉर अदर रिस्क कैटेगरी। अदर में आप 3 महीने का टाइम देंगे, थेरेप्यूटिक लाइफस्टाइल चेंजेस के बाद अगर नहीं होता फिर आप नहीं ड्रग देंगे। व्हाट आर द डिफरेंट ड्रग्स अफेक्टिंग लाइपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म? कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो या डिसलिपिडेमिया के लिए ले रहे हैं? एक तो स्टैटिन है जो हमारे होश में है उसको, और कौन कौन सी पाइरेट्स है, और निकोटिनिक एसिड है। ये चार्ट है वो आप अपने उसमें हैंडआउट में कल ज़्यादा बेहतर देख सकेंगे। तो इसमें 2-3 चीज़ें मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। सबसे पहले देखिए कि स्टैटिन है, इसमें आप देखिए कि एलडीएल हमने मेन गोल हमारा टारगेट एलडीएल करना ना, तो 18.55% लो कर रहे ये ऊपर वाला जो मैक्सिमम। इसके मुकाबले में देखेंगे जो आपका है ट्राइग्लिसराइड, अच्छा इसने किया 7.30% उसके मुकाबले में ये देखें फाइब्रेट जो है